आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज घोषित करेगा जांच कमेटी के मुखिया का नाम। मोदी आज तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल करेंगे उद्घाटन, कई मेडिकल कॉलेज का होगा उद्घाटन। दिल्ली में मॉडरेट कैटेगरी में पहुंचा प्रदूषण, AQI 193। हरिद्वार दिल्ली में कथित रूप से दिए गए नफरत भरे भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। उत्तर भारत में और सर्द हुआ मौसम, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, 12 जनवरी तक येलो अलर्ट। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की खबर औरैया से, जहां विधुना से भाजपा विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया ने बीजेपी के पक्ष में बयान दिया है। उनका कहना है कि चाचा देवेश शाक्य पिता को जबरन घर से उठाकर सपा में शामिल करने के लिए लखनऊ ले गए, जिसके बाद से ही उनका पता नहीं लग रहा है। जिसके बाद विधायक की बेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पिता को ढूंढने के लिए गुहार लगाई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि वीडियो में विधायक की बेटी ने क्या कुछ कहा है। सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाक की पुत्री रिया शाक की हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद अब खबर औरैया से है, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने पर कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह ने कहा, जो बसपा और भाजपा का नहीं हुआ वो सपा का क्या हो पाएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को दल बदल की आदत सी पड़ गई है, लेकिन भाजपा पर उनके इस्तीफे देने और पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गीता शाक्यों की देता है, इसलिए इस पे वोट बैंक पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए आप दो शब्द में क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहता हूं कि हर दल को इनकी दल बदलू नीति पर विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने पार्टी में लेके ही, क्या कुछ गारंटी नहीं है कि वो कब किसको धोखा देगा। तो आगामी चुनावों में भाजपा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव जीतने को लेकर क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, पूरे धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ने विकासवाद और राष्ट्रवाद पे अपना काम किया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना टूंडला से एक रेस्टोरेंट में कांग्रेस की पंचायत का आयोजन हुआ। इस दौरान पंचायत में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए प्रियंका के फोटो छपे बैग बांटे गए। वहीं पंचायत के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई, जबकि जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान आचार संहिता की गाइडलाइंस और चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताया, उसके बावजूद पदाधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली। पिछले सात दिनों से हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमको अपने कार्यकर्ता को बूथ मैनेजमेंट के बारे में बताना है। जो हमारा संगठन सृजन अभियान था पिछले 6 महीने से जो चल रहा था, उसका समापन हुआ। उसके बाद हम लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे न्याय पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उनको ये बताना था कि किस प्रकार से उनको बूथ में, चूँकि चुनाव 2022 का अब बिगुल फूक चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, आचार संहिता का कोविड नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को इसीलिए ऐसी जगह पर बुलाया कि जहाँ पर खुला वातावरण हो, वहाँ पर हमने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बाकायदा हमने मीटिंग करके उनको बताया कि किस प्रकार से बूथ पर पूरी सब चीज़ों का पालन करते हुए आपको इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना है।
हम लोगों का ये कार्यक्रम आज यहाँ पर टूंडला में आखिरी 7 दिनों से चल रहा था सभी विधानसभाओं में, और एक विधानसभा में 2 बार हुआ था और एक जगह और 2 बार हुआ था, तो ये समापन हुआ है उसका। और चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कमर कसकर लगी हुई है। आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से अगर रिकॉर्ड उठाकर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनहित के सारे कार्यों में, और जनता के जो परेशान घूम रही है, चाहे वो कोरोना संक्रमण काल हो चाहे फिरोजाबाद में डेंगू की। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन देखने को मिल रहा है, अब इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी? इस पे प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, जबकि प्राइम टीवी ने वहां के एसडीएम को और वहां के एसडीएम को और वहां के सीओ को लगातार फोन पर सूचना दी कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन ने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। जी, तो इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है? क्या लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे प्रशासन, या फिर चुनाव आयोग ने सख्त लहजे में कहा था कि सख्ती बरती जाएगी, तो चुनाव आयोग इस पर अभी तक एक्शन लेता हुआ नजर क्यों नहीं आया है? उसी दिन 11 बजे डीएम फिरोजाबाद ने एक मीटिंग की, उसमें मीडिया को बताया कि चुनावी गाइडलाइन जो चुनाव आयोग की जो आचार संहिता की जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा, लेकिन सख्ती कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लगातार ये जो राजनीतिक दल हैं लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। जी संजीव, क्या अभी तक सिर्फ कांग्रेस ने ही उल्लंघन किया या कोई और दल भी इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आया है? नहीं, फिरोजाबाद में तो इस तरीके का कोई मामला नहीं आया, केवल ये कांग्रेस का ही एक मामला नजर में आया है, बाकी फिरोजाबाद में अभी किसी दूसरे दल का कोई मामला नजर में नहीं आया, लेकिन प्रदेश में इस तरीके का उल्लंघन लगातार जारी है, चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेते हुए लगातार कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़े थे फिरोजाबाद से। अलीगढ़ के थाना देहली गेट क्षेत्र में जंगल गड़ी में मकान में हिस्सा दिलवाने के नाम पर पति ने पत्नी के साथ धोखाधड़ी करते हुए तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद अधिकारियों ने पीड़ित महिला की गुहार सुनकर जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसलिए आई हूँ, मेरे आदमी ने मुझे मेरे घर के हिस्से की वजह से मुझे लेके गए थे, जिसका मुंतजिल किदवई नाम था, जो दोधपुर चौराहे उसका ऑफिस है, वहाँ लेकर गए थे मुझे। वहाँ पे नहीं है, मुझसे झूठे धड़ी से करवा के नहीं है, मुझसे अंगूठे लगवा लिए 10 रुपये स्टाम्प पे। उसके बाद में नहीं है, इसके अब्बा इसका दूध लेने के लिए चले गए, उस मुंतजिल किदवई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। एसएसपी ऑफिस पहुंच के पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है और ये बताया है कि धोखाधड़ी का मामला है, जहां न्याय की मांग लगाती हुई नजर आई है, धोखे से ही कागजों पे साइन करवा लिए और ये कागज तलाक के बताए जा रहे हैं, और जिसको लेकर पीड़ित महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इस दौरान पुलिस ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए जिले में फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य आचार संहिता का पालन कराना और कोविड-19 का पालन कराना है। इस फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदान करने की अपील की है। दो तस्वीरें देख सकते हैं आप, रामपुर और हाथरस, जहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला गया और साथ ही जनता को जागरूक किया गया कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी पालन करना है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। रामपुर हाथरस से खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ के छर्रा नगर पंचायत कार्यालय में सफाई कर्मचारियों का 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन देते हुए प्रदर्शन करके कार्य हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने ईओ और चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जबकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कस्बे में साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का अंबार लग गया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई है और लगातार ऐसी खबरें भी सामने आती रही है कि गंदगी का अंबार हुआ है, जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं एक बार फिर ये खबर सामने आई है, जहां सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन देते हुए प्रदर्शन करके कार्य हड़ताल का ऐलान करा है। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने ईओ को और चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया, जबकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कस्बे में साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का अंबार लग गया है।
तो हड़ताल पे नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के छरा नगर पंचायत कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। का नाम है स्थायी सफाई कर्मचारी और संविदा कर्मचारी, का नाम है उनके का नाम है दो दो माह का वेतन बकाया है अभी, और बोनस एरियर और का नाम है बड़ा हुआ वेतन एरियर्स और पीएफ 5 महीने का पीएफ काट लिया गया है और जमा नहीं किया। एलआईसी काट ली जाती है कर्मचारियों के खाते में, जमा नहीं किया नहीं की जाती। और पेंशनर हैं जो रिटायर हो गए सालों से नगर पंचायत के चक्कर काट रहे हैं, आज तक उनकी नहीं सुनी जाती, नहीं पेंशन बंदी अभी तक। क्या नाम है तुम्हारा? बॉबी चौहान, नाम है सभासद हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ नगर पंचायत में इतना भ्रष्टाचार है कि कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं होती। अगर वे अपनी मांगों को लेकर यहाँ तक आते हैं तो उनको धमकियाँ दी जाती हैं, या तो उन्हें लंबित कर दिया जाता है या फिर काम से हटा दिया जाता है। और अगर अपनी कर्मचारियों की मांगों को लेकर यहाँ कोई भी आता है, जैसे कर्मचारी अध्यक्ष हैं या महामंत्री हैं, तो उनको पर्सनल तौर पर धमकियाँ दी जाती हैं कि आप इनके साथ में मत रहो। खबर आगरा से है, जहां थाना वह क्षेत्र गांव बुडेरा बटेश्वर में विवाहित ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। जिसकी सूचना पर पहुंचे मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है, जिसको लेकर युवती के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ऐसा मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां दहेज के लिए व्यक्ति की यानी कि महिला की हत्या कर दी जाती है, उकसाने का ये जो आरोप लगाया गया है मायके पक्ष की तरफ से ससुराल जनों पे, जहां विवाहिता ने घर में फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, जिसके बाद कोहराम मच गया घर में। और इसकी सूचना पर जब मायका पक्ष पहुंचा तो ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है आगरा से। ममता, क्या है पूरा मामला, परिजनों का क्या कहना है? बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूंगी, ये आगरा के थाना बाद क्षेत्र के बुडेरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां 25 वर्षीय एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं जो महिला के जो मायका पक्ष के जो परिजन है, उनका साफ तौर से आरोप है, उसके 3 साल पहले हुई शादी हुई थी, कि उनका आरोप है कि बराबर 3 साल से लगातार आए दिन जो ससुराल पक्ष है वो दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था। लगातार उसकी शिकायतों के बावजूद भी ससुरालियों ने आज उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसने स्वयं उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन जो लीला है समाप्त कर ली। जी ममता, क्या इसकी कोई शिकायत नहीं करी गई थी, मतलब पुलिस स्टेशन में, या कहीं जो इस तरह से प्रताड़ित करा जा रहा था दहेज के लिए, तो क्या इससे पहले महिला ने इसकी शिकायत नहीं करी अपने परिजनों से? जी बिल्कुल, जिस तरह जो परिजनों के द्वारा जो बताया गया है, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हम लोगों ने आपस में ही रिश्तेदारों से मिलाप करके कई बार उन लोगों ने आपसी समझौता कराया गया, लेकिन आखिरकार ये 3 साल अभी बीत पाए हैं इस शादी के समय को, और आखिरकार उस महिला ने परेशान होकर आज फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करी। ये 25 वर्षीय युवती है जो महिला है, जिसने आज फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। जी तो ममता, क्या इसकी शिकायत लिखवा दी गई है, क्या तहरीर दी गई है, और तहरीर के आधार पर क्या कुछ एक्शन लिया पुलिस ने? जी बिल्कुल, जो महिला के जो मायका पक्ष है उनके द्वारा पुलिस को एक तहरीर दी गई है, तो वही पुलिस के द्वारा भी जांच कर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर उसकी अग्रिम कार्रवाई की बात कही गई है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद सिद्धार्थनगर जिले में भी जिला प्रशासन चुनावी मोड में आ गया है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा और पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में चुनावों की तैयारियां पहले से ही चल रही थी। आगे जिलाधिकारी ने कहा कि अगर किसी को कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई भी देखे तो जानकारी होते ही इसकी जानकारी दी जाए, जागरूक रहें, और कोई भी व्यक्ति सिविल ऐप पर जाकर शिकायत दर्ज कराए और उसका वीडियो भी अपलोड करें।
चुनाव के परिपेक्ष में काफ़ी बढ़ाएँ भी हैं और वल्नरेबल एरियाज भी चिन्हांकित किए गए हैं, उन पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। वेबकास्टिंग भी, जैसे चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि 50% से ऊपर बूथ पे वेबकास्टिंग इस बार होनी है, वो भी हमने चिन्हांकन करवाए, उन पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। ऑलरेडी वीडियो व्यूइंग टीम, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड्स, ये सब एक्टिव हो गए हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमिटीज़ एक्टिव हो गई है। वीवीपैट, ईवीएम और इन सब की हमारी ऑलरेडी FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है। आयोग के निर्देश के अनुसार अब उसका आगे जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो उसका इंटीमेशन मीडिया को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को देके करेंगे। तो ये सभी व्यवस्थाएँ पूरी तरीके से हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, जोनल पुलिस ऑफिसर सभी। लखीमपुर खीरी नीमगांव थाना क्षेत्र के धुमरा डी गांव के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक के परिजन उसे आनन फानन में जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना पर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।